नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। जिसको आप देख रहे हैं ये वो बिरादरी है जिसको हमेशा अलग अलग नजरों से देखा जाता है। ये समाज हमेशा उपेक्षाओं का शिकार रहा है। अलग अलग मंचों पर अलग अलग रूप में आपने हमेशा देखा होगा, सुबह दिन निकलता है और ये समाज अपने काम के लिए निकल जाता है। गंगो शिव चौक पर पानी की छवि लगाकर इस समाज ने वाकई में एक मिसाल कायम की है। हालांकि गर्मी के मौसम में पानी की छवि अलग अलग जगह लगती है, लेकिन किन्नर समाज अगर पानी की छवि लगाए तो सवाल तो बनता है। एक ऐसा मौसम, गर्मी का मौसम है, बहुत अच्छा काम किया। चलिए हम जानकारी लेते हैं इस समाज से कि आज किस तरह से आपने सोच लिया कि एक ऐसे मंच से आप जो है पानी पिलाएं, एक ऐसा मंच सजाएं। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा शुभ नाम रेखा है। रेखा है, आप गुरुजी हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं गुरुजी हूँ। आपका नाम? मेरा नाम दीपा है जी। दीपा जी, कैसे सोच लिया आपको? तो मंच भी दूसरा है, आप जो है सुबह निकलते हैं, शाम तक कहीं कोई बच्चा पैदा होता है वहाँ पर जाते हैं, खुशी के माहौल में आप लोग जाते हैं, शक की निगाह से लोग आपको देखते हैं, अलग अलग ताने और अलग अलग नामों से आपको पुकारा जाता है, लेकिन आपने एक ऐसा मंच तलाश किया सामाजिक और पानी की छवि लगा दी आपने, ये कैसे सोच लिया? जी, हमारे दिल में आया, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए हमने सोचा कि हम भी कोई दान पुण्य करें, कोई हमारे हाथ से कुछ अच्छा हो। समाज के लोग तो हमें बुरा सोचते हैं, कोई बुरी नज़र से देखते हैं, लेकिन हम भी समाज का हिस्सा ही हैं, हम भी समाज का हिस्सा है, हम भी सोचते हैं हमारे हाथ से कोई दान पुण्य हो जाए, सबके बच्चे जीत रहे हैं, सबका भला हो, हमें भी ये लोग खाने को देते हैं, हमारा कोई घर से नहीं आता, हमारा कोई खेती नहीं होती, इन्हीं लोगों से मांगते हैं, अपना पेट भरते हैं। ठीक है बाबू जी, बस ये कहना चाहती हूँ, बस हमने पहली बार किया, बहुत अच्छा लगा हमको। आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपने लगाया पानी की छवि? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि समाज की सेवा कर रहे हैं हम लोग भी, और भगवान ने इसका बिल बनाया हमें, तो हम इसकी सेवा करें समाज की, बस हमें लोग। अच्छा, आप जब क्षेत्र में जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, अपनी टीम के साथ, अपने चेलों के साथ निकलते हैं, लोग आपको पता नहीं किस किस नज़र से आपको देखते हैं, किस किस नाम से आपको पुकारते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता होगा? नहीं जी, बस क्या बुरा लगता है, जब रब ने हमें ऐसे बनाई है, इस समाज में पैदा किए हैं, अब क्या कह सकते हैं। कैसे सोच लिया कि आपने पानी की छवि लगाए? बस जी, सोच तो यही थी कि हमारे से भी कुछ अच्छा हो जाए, हम ऐसे हैं कि लोग हमें घिनौनी नज़र से देखते हैं, फिर भी हमने अपने मन में सोचा कि हमसे अच्छा ही हो, समाज की सेवा करें, हमें भी सुकून मिले, अच्छा हो हमारे हाथों से भी, बस। सरकार की तरफ से भी आप लोगों को सहायता वगैरह मिलती है कुछ इस तरीके का, आपको कहीं से कोई मदद मिलती है, कोई नेता, कोई लोग आपके लिए कुछ मदद करते हैं कि नहीं करते, या खुद ही सब कुछ करना होता है? जी, बस खुद ही सब कुछ करना होता है। यहाँ पर कुल कितने लोग हैं आप? यहाँ पर 8 सदस्य हैं। 8 लोग हैं? हाँ जी। सीमा को लेकर भी आपका बहुत बड़ा विवाद रहता है कि उस क्षेत्र में कोई आ जाए तो आप गुस्सा होते हैं, आपका कोई एरिया बंधा होता है कि किस एरिया में हम काम करेंगे यहाँ? जी हाँ, हमारे भी एरिया बटे हुए होते हैं, हमारे गुरु जो परदाद गुरु होते हैं, बड़े होते हैं, उनके भक्तों से ही हमारे एरिया बटे हुए होते हैं, एक दूसरे के एरिया में कोई जा नहीं सकता। जी, हमारे पीतरो है, अम्बेटा है, नखनौती है, गंगो है, ये हम खेड़ा फगान है, ये हमारा क्षेत्र है। ये आपका क्षेत्र है, यहाँ पर कोई दूसरे क्षेत्र से नहीं आएगा? जी, कोई भी क्षेत्र से नहीं आएगा। हम दो चेले हैं उनके, अपने गुरुजी के, हमारे गुरुजी पूरी हो गई, 3 महीने पूरी हो गए उनको, हम दो चेले हैं उनके, आगे हमारे चेले हैं। उनका नाम रेशमा? नहीं, समाजी। समाजी हमारे गुरु थी और पूरी हो गई उनको, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने पूरी हो गए, अब उनके बाद हम दो चेले हैं और हम बाकी हमारे चेले हैं। अच्छा, जब गुरु बनते हैं तो उसके लिए आपको किस तरह, आपका एक पूरा पैटर्न है, किस तरह से आप गुरु बनते हैं? हमारे यहाँ हिजड़े करते आते हैं, हिजड़े मर, जब हमारे गुरु मरती हैं तो हमारा समाज का सहयोग होता है, जैसा हमारा समाज पूरा समाज इकट्ठा होता है। जी, हमारा पूरा समाज इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है, उसके माध्यम से ही हम, जी हमारा किन्नर समाज इकट्ठा होता है, उनकी तरफ से जैसे कोई पगड़ी देते हैं, ऐसे हमारे यहाँ भी वो पगड़ी होती है, जो चेले होते हैं उनको वो दिया जाता है, उनको गुरु की जो गद्दी होती है, गुरु जी का जो उसके चेले होते हैं, जैसे ये दीपा है गुरु जी की चेला समाज की, मैं रेखा हूँ समाज की चेला, तो हमें ये पद दिया गया है और आगे जो हमारे हैं वो हमारे चेले। आपके भी प्रोग्राम होते होंगे, आप लोग जाते होंगे, आपका आपका जो मेन मुख्यालय यानी आपका मेन कहाँ पर है, जहाँ पर आप लोग जाते हैं, आप मत्था टेकते हैं, कुछ इस तरीके से कुछ है, या फिर अलग अलग धर्मों से आप लोग होते हैं या किसी एक को मानते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो सभी धर्म मानते हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, सभी होते हैं हमारे इसमें। ठीक है जी, हम सभी धर्म को मानते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम बकरा ईद मनाते हैं, हम दीपावली भी मनाते हैं, होली मनाते हैं, हमारे यहाँ सभी समाज के लोग होते हैं, हमारे यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है।
ठीक है जी, हमारी पूरी मोमडन थी, मैं हिंदू की है, मेरे कोई भाई है ये मोमडन की है और मेरे चल रहा है राजपूत का और भी है, सब सबने अपनी आजादी होती है, वो कुछ भी किसी धर्म को माने, जी जी किस धर्म को माने, हमारे हिंदू धर्म से तो आप हिंदू धर्म मानेंगे जी, ऐसे होगा हमारे लिए जैसा हिंदू धर्म होता है, हमारे मरने के बाद भी ऐसा ही होगा हमारे साथ में जो हिंदू धर्म होता है, हमारे यहाँ कोई मतलब रोक रिकॉर्ड नहीं होती, पूजा पाठ करो कोई बस कोई भेदभाव नहीं होता जी, और सब इकट्ठे ही रहते हैं, सब प्यार से नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं आप? हाँ जी हाँ जी पढ़ लेते, पूजा पाठ भी करती, पूजा पाठ पढ़ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। अब तो आपका चेयरमैन भी बन गया, एक यूपी में एक जगह पर आपका चेयरमैन भी बना है, आप लोग सियासत में भी जाने लगे हैं, विधायक भी आपके बनते हैं, तो आप लोग भी अपने लिए कोई मांग करो ना कि हमें भी कुछ अच्छा सरकार की तरफ। हाँ जी हाँ जी जरूर, क्यों नहीं, बस क्या मांग करनी, हम दस अपना मांग खा अपना सही गुजर बसर कर लेंगे अपनी, हमें क्या मांगना था जी, आप लोगों से मांग के अपना पेट भरते हैं और हमारा कोई खेती तो होती नहीं, ठीक है जी, हमारे समाज में कोई हमारे यहाँ रोक रुकवाट नहीं होती, जो भी धर्म है हमारा कोई धर्म में कोई ऐतराज नहीं करता, हमारे सब मिलजुल के रहते हैं, जो आप लोग कमाते हैं उस सारे को आपस में बांट लेते हैं क्या, सब गुरु के हाथ में, अब हमारे यहाँ गुरु के हाथ में रहता है जी, गुरु के जैसे हमारे गुरु मर गई उनके हाथ में था, अब हमारे हाथ में है, फिर आप अपने तरीके से सबको बांटेंगे कि उसमें कोई भेदभाव होता है? नहीं नहीं, ये तो अपने तरीके से देंगे सबको, अपने से लोगों के अपने उनके कपड़े लगते हैं, उनका रहन सहन, उनके जो खर्चे होते हैं जीवन में बताए क्या क्या होता है, बस वो हम तो लोग हमेशा आपके पास रहते हैं कि वो अपने घर भी चले जाते हैं? ना घर नहीं जाते हमारे यहाँ पे, हमारे पास ही रहते हैं, अगर उनके घर वाले आपसे मिलने के लिए आ जाए कोई बात नहीं, कोई रुकावट नहीं, आ जा सकते हैं, उनका दिल करे आ सकते हैं, कोई बात नहीं, जब आपसे आपके यहाँ कोई शामिल होता है तो शामिल होने के साथ साथ वही कस्में खिलवाई जाती है, कुछ ऐसा होता है कि आपको नहीं जाना ये रहना है ये सब कुछ आपको? ऐसे नहीं कस्में खिलाई जाती, ऐसा कुछ नहीं है, तो बच्चे को लगते छोटे को बड़ा तो आ गए, चलो बड़े आते बड़े भी आते हैं हमारे यहाँ भी, जो छोटा बच्चा है क्या पता कहाँ से आया कहाँ से नहीं, जो बड़े होते हैं उनको पता रहता है भाई मेरा घर कहाँ पे है, कहाँ के मैं रहने वाली हूँ ये बताता है सर। यहाँ जो पानी पिलवा रहे हैं इनके नाम बताए थोड़ा? ये चाहत तोमर और खुशी प्रजापति हैं और नीतू चौधरी हैं और सलमा हैं जो मलिक है ना, हाँ सलमा मलिक हैं और तमन्ना है। तमन्ना है, हाँ जी। ना कब तक चलाएंगे आप? बस ये सोच रहे हैं एक दो घंटा और चलाएं। इस टाइम चालू किया था ये, सुबह 10 बजे चालू किया था। आया कौन था जब शुरुआत की गई, कोई नेता कोई बुलाया था? आए थे जी, इंद्र सैन जी आए थे, हरिमन काट के गए, इंद्र सैन जी आए, उनका बड़ा सहयोग है, हरिमन काट के गए, बहुत अच्छा विचार उन्होंने जो हमारे इसमें सहयोग दिया, आपने आए हो मैं बहुत अच्छा लगा, भी किसी काबिल समझे हैं तो वो आए हैं नेताजी, यहाँ हमें किसी काबिल समझाया उन्होंने, समाज का हिस्सा बनाया है। देखिए किन्नर समाज है यहाँ गंगो सिंह चौक पर, इस समाज ने पानी की छवि लगाई है, यहाँ पर रिबन काटकर चौधरी इंद्र सिंह जो समाजवादी के गंगो विधानसभा प्रभारी है उन्होंने यहाँ रिबन काटकर इस पानी की छवि का शुभारंभ किया, ये शुरुआत की। तो यहाँ ही किन्नर समाज को आप देख सकते हैं, इन्होंने जो अपनी दिल की पीड़ा है वो आपके सामने जाहिर की, ये समाज हमेशा से उपेक्षाओं का शिकार रहता है, किसी दिन आपको इस समाज के लिए एक स्पेशल स्टोरी हम आपको दिखाएंगे, आज बस इतना ही। बन रही है मेरे साथ सिकंदर अली के साथ, मैं इसराइल चौधरी, नमस्कार।